नीतीश कुमार जी जो सदन में बोले हैं उस पर आपको क्या कहना है, कुछ बताइए। कहना यही है कि ये सदन का भी उनको ख्याल नहीं रहा कि हमारे महिला प्रतिनिधि भी बैठे हैं और हम छक्का के तरह, छक्का जो होता है जैसे रेलवे में घूम घूम कर लोगों से पैसा ले तसलता है और हाथ और उंगलियों का इशारा करता है, वो छक्के के रूप में ये जो है ना सदन में उनका भाषण जो है वो शोभनीय नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या कहना है? प्रधानमंत्री बनने के लिए तो उनको ये इस जन्म में तो नहीं, अगला जन्म में सोचा जाएगा। बिहार में कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश की सरकार है, तो क्या यही बिहार में बाहर है क्या? ये सब आडम्बर है। ये पलटू राम इनका प्राइवेटी नाम है, ये किसी भी सिद्धांत विहीन ये व्यक्ति है। सरकारी विभागों के हेड कर्मचारियों को अपने बस में रख करके ये बिहार में राज कर रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री इनको छोड़कर कोई भी होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्यों? आखिर कारण क्या है कि उन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? कारण ये है कि ये बहुत आडम्बर रस्ते हैं और इनके हृदय जो है न स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है। जेपी मोमेंट में जो जेपी के आह्वान पर जो जेल गए उनको जो है सो अपमान, और इंदिरा के आह्वान पर जो लोग जेल गए उनका सम्मान, ये ऐसे बुद्धि खोपड़ी के हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि जाति जनगणना जो करा है इसमें वो उनका बहुमत ज्यादा है, काफी खुश है इस जाति जनगणना से। देखिए ये जाति जाति की जो राजनीति है ये बहुत माने वो मिहिन पीसने का काम चक्की का तरह करता है। ये देना देश की एकता को, देश की अखंडता को भी तोड़ने में ये सहायक हो सकता है। नीतीश कुमार जी महिलाओं पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्या कहना है इस पर? महिलाओं का ये सब उनका आडम्बर है। असेंबली में सारा पोल खुल गया उनके भाषण को देख करके और सुन करके, सारी महिलाएं जो है सो थूक थूक कर दिया इनके नाम पर। तो क्या आपको लगता है इस बार महिला नीतीश कुमार का वोट नहीं दे पाएंगे? नहीं देगी, इनका पोल खुल गया, राज खुल गया। लेकिन वो तो महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण तो कोई भी देगा, जो पुरुष का आरक्षण होगा तो महिला का भी होगा। महिला भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही है तो उनको कोई भी आरक्षण होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में बयान दिया है इस बयान को लेकर के प्रत्येक चौक चौराहों पर यह एक चर्चा के विषय बन गया है। इसी तरह मैंने एक चौक पर एक बहुत ही बुजुर्ग पुराने नेता जी थे उनसे मैंने इस सदन पर एक चर्चा की है और बात की है और बताए कि नीतीश जी जो बोले हैं सही बोले या गलत बोले, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।